हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। तो दो दिन से मैं ब्लॉग नहीं बना सकी, जैसे कि मैंने बताया था कि मुझे फीवर हो रहा है और वैसे भी मुझे फ्लू बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस वजह से मेरी तबीयत ख़राब रही तो मैंने नहीं बनाया। तो आज का ब्लॉग हमारा ये है कि मैं बच्चों के लिए बनाने लगी हूँ बर्गर। तो आपने हमारे साथ रहना है और हमारी वीडियो को फुल वॉच करिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ऐसे ही साथ साथ बने रहिएगा। मैं जा रही हूँ मार्केट सामान लेने के लिए, तो फिर चले मैं आपसे मिलती हूँ आगे। हम लोग आ गए मार्केट, बाबी ले रही है सामान। तो हमने ले लिया है सामान, इमरान अभी ले रहे हैं वो देखिए दूध यानी कि बच्चों का। तो मैंने कहा दूध भी ले जाए, वैसे तो मैंने और सारा सामान ले लिया, पर सब घर जा रहे हैं। जी गाइस, हम घर पर आ चुके हैं और सामान भी ले आए हैं बर्गर का सारा, और हम आपको भी दिखाते हैं सामान। ये खीरा है और ये पुदीना है, ये बर्गर लेके आए हम, और ये केचप भी है इसमें और कबाब भी है इसमें। तो अभी हम आपको आगे दिखाएंगे क्या क्या हो रहा है। जैसे कि इमरान ने आपको सारी चीज़ें दिखा दी है कि हम लोग क्या क्या लेके आए हैं, तो मैंने ऑयल रख दिया गरम करना। अभी पहले मैं कबाब को फ्राई कर लूँगी, क्योंकि मैं बाहर से बने बनाए लेके आई हूँ। वैसे तो घर पर भी बना के मैं फ्रीज़र कर लेती हूँ, तो इस बार नहीं थे किए, तो जो लेके आई हूँ तो मैं जैसे जैसे बनाती हूँ मैं आपको दिखाती जाती हूँ। अभी आप देखें ये बर्गर की के लिए खीरे की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं खीरे की, मैं कटिंग कर रही हूँ, और प्याज की भी करेंगे अभी। गाइस, इनको लाइक कमेंट शेयर मत करना। सिर्फ़ाट बर्गर, क्योंकि घर में अफराज सिर्फ़ाट ही है, तो क्योंकि बाकी सब गए हुए हैं मेरी ननद के ससुराल, वो लोग कम ही गए हैं, जैसे पंजाब वालों को लेके गए हैं। तो बाद में जब जाएंगे वहाँ पर रिश्ते ले लें, तो उसका भी ब्लॉग मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि आज बच्चे जिद कर रहे थे, वैसे बच्चे जिद कर रहे थे पिज्जे की, तो पिज़्ज़ा तो नहीं बनाया मैंने, कहा फिर जल्दी यही बर्गर बन जाएंगे, तो मैं आज बर्गर फटाफट बना देती हूँ बच्चों को। तो बच्चे की फरमाइश होनी चाहिए ना, सुननी चाहिए। ऑयल हो रहा है गरम, तो ये आप देख सकते हैं, ये मैं कबाब बने बनाए लेके आई हूँ बाहर से, नहीं तो घर पर भी बनाती हूँ, तो ये मैंने कहा कि कबाब आज बने बनाए ले आऊँ, क्योंकि घर पर बनाए नहीं थे, काफ़ी देर हो गई थी, तबियत सही नहीं थी, तो इस वजह से बना नहीं सकी। तो नेक्स्ट टाइम कबाबों की भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी जैसे बनाऊँगी। और ये जैसे को देखें आप, गला इसका ख़राब है, लेकिन इसकी आइसक्रीम, ये आइसक्रीम बड़े शौक से खाता है और छुप के खाता है, तो पता ना चले। मामा डांटेगी तो इस वजह से ये बाहर जाते हैं, तो बाहर से खा के आता है। खीरे भी खा दो, जैसो मेरे पास बनाई थी, जैसो और केचप को मिक्स कर दिया। पहले मैंने लगाया माइनस, सॉरी पहले लगानी थी ग्रीन वाली चटनी, फिर माइनस लगाना था, चलो कोई मसला नहीं, लगा दी ग्रीन वाली चटनी। अब लगाएंगे माइनस, अब रखेंगे कबाब, रख दिया इसको फोक के साथ, इसको वो कर लीजिएगा, तो मैंने फोक लिया नहीं, फिर जितने आपने रखने हैं इसमें खीरे और प्याज रखते। आज तो लगता है बड़ा मज़ा आने वाला है, करके पहले हम थोड़ा स्पाइसी खाते हैं, बस बच्चों के लिए मैं दूसरे निकाल दूंगी, फिर उसको ऊपर ही थोड़ी सी डाल देंगे। केचप कौन सी है? टमाटो वाली, इसको ऐसे थोड़ा से ऑयल में बस इसको घुमाना है, थोड़ा सा यानी कि इसको बस लाइट चले, फिर मैं डिश आउट करती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। और मैंने सोचा कि दो कबाब हमारे बच गए, तो मैंने सोचा कि इमरान के लिए मैं कबाब रोल भी बना लूँ, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ, चले सही है फिर।
हाँ तो गाइस मैंने बना लिए बर्गर भी और रोल पराठा भी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो बहुत मेहनत लगी, गर्मी है ना तो इस वजह से गर्मी में काम नहीं होता। बस आप हमारे ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये रोल पराठा बनाया है और ये बर्गर, यानी कि सबके लिए मैंने, और एक मेरा जो देवर है उसने तो ले लिया, और बच्चे शुरू हो गए हैं क्योंकि इनको भूख लगी हुई है। जी गाइस बर्गर खा चुके हैं, बड़ा मज़ा आया, बड़ा टेस्टी थे और काफ़ी देर बाद बनाए थे लेकिन बहुत अच्छे बने थे। 6 साल के बाद बनाए, शादी के नहीं जी, बीच में भी बनाए होंगे, याद नहीं होगा। जब शादी हुई है उस 1 महीने बाद बनाया था, फिर उसके बाद अभी बनाया 6 साल बाद। तो मैंने अपने भाई का भी हिस्सा रखा था तो वो ले गया, तो बाकी सबने भी खा लिया, बस एक दो छोटा वाला देवर रह गया। तो मुझे क्या पता था, मैंने तो सबके लिए बराबर के बनाए थे, तो मुझे पता नहीं था कि वो लोग भी आ जाएंगे क्योंकि वो लोग काम पर थे। तो चलो सही है, नेक्स्ट टाइम उनके लिए बना लेंगे। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, तो आपने लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना है और हमारी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है हमें। हाँ कमेंट्स में बताइएगा पूरी रेसिपी देख के। चले फिर सही है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।